चेन्नई की टीम को प्लेऑफ से फाइनल तक लेकर आने वाले भले ही फाफ डुप्लेसी हैं और डुप्लेसी की इनिंग से ही सीएसके फाइनल में पहुंची है, लेकिन शार्दुल ठाकुर की छोटी लेकिन शानदार पारी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जब हरभजन सिंह 9 बॉल पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए तो शार्दुल ठाकुर खेलने आए। यही नहीं, शार्दुल ने गजब की बल्लेबाजी की। एक मैच्योर बल्लेबाज की तरह खेलते हुए शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 5 बॉल पर 15 रन बना लिए और शार्दुल की इसी पारी ने ही मैच को पूरी तरह से चेन्नई के पक्ष में मोड़ दिया। अब मैच के बाद शार्दुल ठाकुर ने अपनी बैटिंग को लेकर खुलकर बात की और खुलासा किया कि उनकी बैटिंग का राज क्या था। शार्दुल ठाकुर ने कहा कि मैं हमेशा कहता था कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, लेकिन चेन्नई का टॉप ऑर्डर हमेशा रन बना लेता था और मुझे बल्लेबाजी का मौका नहीं मिलता था। शार्दुल ने बताया कि इस बार जब मैं बल्लेबाजी के लिए आ रहा था तो माही भाई ने कहा, आज मौका है और दिखा दे कि तू भी बैटिंग कर सकता है। शार्दुल ने कहा, मेरे दिमाग में माही भाई के यही शब्द घूम रहे थे और इसके बाद फाफ के साथ मैंने बातचीत की और फिर शॉट्स खेलते चला गया। शार्दुल ठाकुर धोनी को याद करते हुए ताबड़तोड़ शॉट्स मारते रहे और टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। यानी शार्दुल ठाकुर ने अपनी पूरी पारी का श्रेय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दे दिया। शार्दुल ठाकुर ने साफ साफ कहा कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने बल्लेबाजी को दिखाऊं और इस बार मुझे मौका मिला और मैंने दिखा दिया। शार्दुल की बल्लेबाजी ने फाफ डुप्लेसी के प्रेशर को भी काफी कम कर दिया और टीम की जीत आसान हो पाई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।